Hello children, this side Ma'am Varsha. This is the 15th lecture of History Lesson 1, The Rise of Nationalism in Europe. And in this video, we learn about the strange case of Britain, means the unification of Britain. हमने पिछले वीडियो में देखा जर्मनी एंड इटली का यूनिफिकेशन. इन दिस वीडियो वी लर्न द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन. इसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है. ओके चिल्ड्रन, सो देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन स्टेट बिफोर 18th century. ओके, एंड ब्रिटिश एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ स्कॉटिश, आयरिश एंड इंग्लिश कम्युनिटी. देखो अब जो ब्रिटिश एम्पायर था ना बच्चों, वो कितना सारा कम्युनिटी में बटा हुआ था. इट वॉज कंसिस्टेड. ओके, सो देन व्हाट वॉज देम, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रॉट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू एम्पायर. अब जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उससे ज़्यादा बहुत सारी ग्रोथ हुई थी, तो जो इकोनॉमिकली इट वॉज वेरी प्रॉस्परस दिस एम्पायर. देन वॉट हैपन, English Parliament seized the power from monarch in 1688 में जो English Parliament थी, तो उसने जो मोनार्की थी, जो राजा का शासन वगैरह था, उसको उन्होंने seized, उसको पूरी तरह बंद कर दिया. ओके चिल्ड्रन, सो व्हेन दिस इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर ऑफ मोनार्की, अब मोनार्की रूल वहाँ खत्म हो गया, सो दैट इंग्लैंड बिकेम द नेशन स्टेट. ओके, आफ्टर बिकमिंग द नेशन स्टेट देयर वॉज अ एक्ट ऑफ यूनियन 1707 वॉज साइंड बिटवीन हुम, बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. दोनों के बीच में एक एक्ट साइन हुआ 1707 में, एंड इट नेम्ड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. और जो इंग्लैंड था उसको नाम दे दिया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ओके, देन ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश पीपल. अब जो स्कॉटलैंड था उसके ऊपर डोमिनेशन किसका था, इंग्लैंड. ओके, द ब्रिटिश पीपल का वहाँ पर डोमिनेशन हुआ, उन्होंने स्कॉटिश पीपल को वहाँ पे उनको दबा दिया, एंड इट वॉज डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश पीपल एंड सेपरेशन ऑफ द स्कॉटिश पीपल. ओके, देन व्हाट हैपेंड, इन्होंने इनको अपने में मिला लिया, स्कॉटलैंड को अपने में मिला लिया, एंड इट वॉज बिकम द नेशन. ओके, एंड दिस सेम सिचुएशन वॉज सफर्ड बाय द आयरलैंड. आयरलैंड में क्या था बच्चों, आयरलैंड सफर्ड द सेम फेट. ओके, इट वॉज आयरलैंड वॉज डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट. जो आयरलैंड था वो दो सोसाइटीज़ में बटा हुआ था. ओके, देन ब्रिटिश पीपल जो थे दे वर वेरी क्लेवर. ओके, उन्होंने ऑलरेडी स्कॉटलैंड को तो अपने अंडर में ले लिया था, अपने अंडर में ला लिया था, नाउ दे वॉन्ट टू इंक्रीज और एक्सपेंड देयर एम्पायर. सो उन्होंने क्या किया, दे प्लेड अ ट्रिक एंड दे सपोर्टेड प्रोटेस्टेंट. उन्होंने प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी को उन्होंने सपोर्ट किया, अगेंस्ट होम, अगेंस्ट कैथलिक. उन्होंने कहा भैया तुम इनसे लड़ो, इनके ऊपर रूल करो और हम लोग तुम्हारा साथ देंगे. ओके, अब इसका ये सब कुछ होना था, देन कैथलिक्स भी चुप थोड़ी बैठे हैं, तो कैथलिक्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश. उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट किया, बट दे वर वेरी पावरफुल, सो दे सप्रेस्ड हुम कैथलिक्स. अब कैथलिक्स को तो उन्होंने हरा ही दिया था, ये इनके साथ मिल ही गए थे. सो अब इन्होंने क्या किया, आयरलैंड को इन 1801 आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इन टू द यूनाइटेड किंगडम. आयरलैंड को भी इन्होंने अपने अंडर में ले लिया. ओके, अब ये सब ले लिया, उसके बाद में न्यू नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड. जब इसको मिला लिया गया 1801 में, तो उसके बाद में नया फ्लैग, नया एंथम ब्रिटेन का अपना उनका बनाया गया, एंड इंग्लिश लैंग्वेज वॉज प्रमोटेड. इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ये मिलकर क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ. So we have seen that how the unification of Germany, Italy and Britain was done. Okay, I hope you have understood. If any doubt, you can ask me in online classes, during this online classes, and you can also send your queries to the school's email ID. Till then, bye.